डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस इंडिया बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस। रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। आज 14 अगस्त 2022 परभनी शहर का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से सजुलाला मित्र मंडल का जो ऑटो यूनियन है और हमेशा जो हर कामों में समाज सेवा में आगे रहता है और आज 14 अगस्त के रोज़ यहाँ पर एक अमृत महोत्सव के मौके पर रैली ऑटो यूनियन की रैली निकाली जा रही है। सैकड़ों की तादाद में ऑटो यहाँ पर है और इस तमाम ऑटो का एक रैली का एक मकसद है कि देश को आज़ाद होकर 75 साल हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो एक सामाजिक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे साथ में परभनी महानगर पालिका के साबिका सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब है, उनसे बात करते हैं। माजूलाला साहब, जैसा कि ये सजुलाला मित्र मंडल का ये ऑटो यूनियन है और हमेशा सामाजिक खिदमत में रहता है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो रैली निकल रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हिंदुस्तान के अंदर जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जोरों शोर से, इसके अंदर सजुलाला मित्र मंडल की ओर से, ऑटो रिक्शा यूनियन की ओर से बड़ी भव्य रैली का नियोजन रखा गया है और अच्छे आला पैमाने पे पूरे पदाधिकारियों ने रखा है। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये कार्य के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अमृत महोत्सव है, आने वाला भी महोत्सव बहुत जोरों शोर से मनाएंगे इंशाल्लाह। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आरिफ कलेक्शन, जो कि कच्ची मार्केट खुरेशी मस्जिद के बाजू में कोठारी कॉम्प्लेक्स के सामने आता है और परभनी शहर परभनी ज़िले का मशहूर मारूफ आरिफ कलेक्शन, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मानसून धमाका ऑफ़र रखा गया है वो तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पर 10% से लेकर 50% तक का भारी डिस्काउंट रखा गया है। इसका परभनी शहर और ज़िले की जनता ने फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे साथ सजुलाला मित्र मंडल ऑटो यूनियन के परभनी अध्यक्ष है ऑटो यूनियन के वाजिद खान, उनसे बात करते हैं। वाजिद भाई, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से देश भर में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, गौरव यात्रा निकाली जा रही है, ऑटो यूनियन ने भी यात्रा निकाली है, क्या कहें? जी हाँ, क्योंकि ये अमृत महोत्सव पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है तो हम परभनी वासी है और हम किसी से भी पीछे नहीं रहते हैं और परभनी में सबसे बड़ा मित्र मंडल अगर किसी का है तो सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब के बड़े भाई मरहूम हमारे खाइद से सैयद खालिद उर्फ सजुलाला, जो कि हर कामों में हमें उन्होंने रुचि दिखाई है और हमें सिखाया है कि किस तरह से काम किया जाता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम अभी भी चल रहे हैं और हमारे को हर समय सपोर्ट रहता है हमारे खाइद सैयद समी उर्फ माजूलाला, जो कि हर समय हमारे साथ मौजूद रहते हैं, जैसे कि आज के रैली में भी वो आए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। मैं सैयद समी उर्फ माजूलाला का तहे दिल से सभी ऑटो वालों की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ और जब जब भी मौका पड़ेगा ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि सैयद समी उर्फ माजूलाला हमारे साथ हर समय कंधे से कंधा लगाकर मौजूद रहेंगे, शुक्रिया। अमृत महोत्सव के मौके पर गौरव यात्राएं निकाली जा रही है, परभनी रेलवे स्टेशन पर भी सजुलाला मित्र मंडल ऑटो यूनियन की तरफ से गौरव यात्रा निकाली गई है और इस वक्त यहां पर रेलवे स्टेशन पर परभनी शहर की आन बान शान शफीक़ मिलत से समी उर्फ माजूलाला साहब, इनके मौजूदगी में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ PSI मकसूद पठान साहब है, उनसे बात करते हैं। पठान साहब, 3 दिनों की अमृत महोत्सव में ये 3 दिनों की गौरव यात्रा है, हर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली जा रही है, सजुलाला मित्र मंडल और ऑटो यूनियन हमेशा आगे रहता है समाज सेवा में, कैसे मुबारकबाद? ये अमृत महोत्सव का 75 साल जो मनाया जा रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी सभी को बधाई है और आज़ादी के लिए सभी ने इसमें योगदान दिया है। जो आप रैली निकाली ऑटो यूनियन की तरफ से बहुत अच्छी बात है, जोश और उल्लास से ये महोत्सव मनाया जाए, जिस तरह गवर्नमेंट ने बताया है उस तरह की उसके पालन कीजिए, अपने झंडे का मान रखिए और अच्छी तरह से रैली निकाल कर ये कीजिए। साथ सजुलाला मित्र मंडल के सक्रिय सदस्य है और सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब के खंदे समर्थक सैयद साबिर है बब्बू अन्ना उर्फ बब्बू अन्ना, उनसे बात करते हैं। बब्बू अन्ना, जो आज सजुलाला मित्र मंडल के ऑटो यूनियन की जो गौरव यात्रा निकल रही है, 3 दिनों का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि ये मित्र मंडल का और ये रैली ऑटो यूनियन का बहुत बड़ा काम है, मुबारकबाद देना चाहेंगे कैसे? सजुलाला मित्र मंडल की ओर से मैं मुबारकबाद देता हूँ।
आज 14 अगस्त 2022 और परभनी शहर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिनों का जो अमृत महोत्सव है, जिसमें 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है और परभनी में आज 14 अगस्त को शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, इन्होंने हरी झंडी बताकर ऑटो यूनियन, जो सजूलाला मित्र मंडल ऑटो यूनियन है, उसके एक गौरव यात्रा निकाली गई। परभनी शहर के रेलवे स्टेशन से होता हुआ पूरे शहर का राउंड मारकर ये गौरव यात्रा वापस रेलवे स्टेशन पर आएगी और एक मैसेज है, देशभक्ति का मैसेज है। हालांकि इन दिनों ऑटो रिक्शा चालक सबसे ज़्यादा महंगाई से परेशान है, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और हर तरह की महंगाई बढ़ चुकी है। फिर भी आप इस पर से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश के लोगों को देश से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। 30 रुपये में एक झंडा खरीद कर घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। आज यहाँ पर गौरव यात्रा निकाली गई है और एक मैसेज देने की बात यहाँ पर हो रही है कि हम देशवासी सब एक है, सब यहाँ पर एक दूसरे के त्यौहार मिलकर मनाते हैं और जब देशभक्ति की बात आती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों का जज्बा देखने बनता है। शहर के हर वार्ड, हर प्रभाग, हर गली, हर चौराहे पर देश की आन बान शान तिरंगा बड़े ही फख्र के साथ लहराया जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है कि जो आह्वान देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया है कि देश भर में गौरव यात्रा निकाली जाए, घर घर तिरंगा लगाया जाए, तो वहीं पर लोगों ने भी पंत प्रधान की बातों पर अमल करते हुए घर घर तिरंगा लहरा रहे हैं और 3 दिनों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो वहीं पर देश के आम नागरिक पंत प्रधान से भी अपील कर रहे हैं कि वो महंगाई पर कंट्रोल करें और जो पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं उस पर कंट्रोल करें। 5% का जो GST लगा दिया गया है, जिस पर गरीब से गरीब लोगों पर उसका असर पड़ रहा है, जिससे हर चीज़ महंगी हो चुकी है। यहाँ तक के रोज़ाना का जो दूध दही ब्रेड बटर जो ख़रीदते थे उस पर भी एक एक दो दो रुपये महंगा वो हो गया। तो लोग पंत प्रधान से भी ये अपील कर रहे हैं कि जैसा वो हर बार अपील करते हैं कि इस तरह से किया जाए, मनाया जाए, तो लोग भी अपील कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए ताकि लोग, साधारण लोग, आम जिंदगी जो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी है वो जी सके। कैसी लोगों की उम्मीद इस 15 अगस्त 2022 के मौके पर देश की जनता देश के पंत प्रधान से कर रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। हेलो, वेलकम टू डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस, इंडिया के बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। NCERT लाइन टू लाइन टीचिंग विद NCERT स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद PPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011-633-248.